बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास फोर, हाउ आर यू ऑल? दिस इज़ योर मैथ्स पीरियड एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट यूनिट्स ऑफ एरिया। बट बिफोर स्टार्टिंग आवर वर्क, फर्स्ट रिसाइट दुआ, रब्बी ज़िदनी इल्मा व माय लॉर्ड इन हिज़ मनहुज। ओपन योर बुक्स पेज नंबर 140, यूनिट्स ऑफ एरिया। गिवन बिलो इज अ ग्रिड। दिस इज अ ग्रिड मेड अप ऑफ अ स्मॉल स्क्वायर्स। You have to find out, beta, how long each square side. Each square side is exactly 1 centimeter long, and the grid is made up of 12 small squares. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Each square has an area of 1 square centimeter. We say 1 centimeter squared. How do we say about area? We say 1 centimeter squared for this square, okay? And we write 1 centimeter and a square above. The little number 2 raised high to the right of the centimeter is a special symbol for the area or number of squares covered. So area हम कैसे mention करते हैं बेटा? जो भी unit हम use कर रहे हैं, for example अगर हम centimeter में measure कर रहे हैं, तो उसके ऊपर हम square लगाते हैं, because length of breadth मल्टीप्लाई होती है, टू सेम क्वांटिटीज हैं, सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, तो ऊपर स्क्वायर आता है, ठीक है। एग्जाम्पल, वॉट यू हैव टू डू, यू हैव टू फाइंड आउट, यू हैव टू राइट डाउन द एरिया ऑफ द गिवन शेप इन सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब आपको उसको सेंटीमीटर्स में मेजर करना है, एंड द एरिया ऑफ द गिवन शेप इज 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। जब आप भी मेजर करेंगे अपने अपने स्केल से, तो क्या एरिया आ जाएगा इसका? 18 सेंटीमीटर स्क्वायर्स। कैसे आएगा 18? लेट्स काउंट 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, and 18. सो हाउ डू वी राइट एरिया? बाय प्लेसिंग स्क्वायर ऑन द यूनिट वी यूज्ड, 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ कम टू नेक्स्ट पेज, नाउ कम टू पेज नंबर 141। Now students, look at this rectangle, and it is made up of 8 small squares, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, each with an area of 1 centimeter square. So how do we write the area of this rectangle? 8 centimeter squares. Look at this image carefully again. There are 2 rows of 4 squares each, first row and second row, okay? To find the area, we multiply the length of the rectangle by the breadth b. Breadth is another word for width. हम width भी use करते हैं, हम breadth भी use करते हैं, दोनों का same meaning है, okay बेटा? So we can simply find out the area of a rectangle by using formula, and the formula is length into breadth. Length multiplied by breadth. तो length कितनी थी हमारे पास? 1, 2, 3, 4, 4 centimeter, और breadth कितनी थी? 2 centimeter. क्योंकि ये एक साइड जो है ये 1 सेंटीमीटर की मेजरमेंट का है, तो 2 साइड्स कितने हो जाएंगे? 2 सेंटीमीटर। तो क्या आ रहा है यहाँ पे? 4 2 8, और सेंटीमीटर और सेंटीमीटर जब मल्टीप्लाई होते हैं तो पर स्क्वायर आ जाता है, जो हम एरिया में यूज़ करते हैं। हम समझ में आ गया ना स्क्वायर कैसे आता है? देयरफॉर द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल इज 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ लुक एट दिस एग्जाम्पल्स। द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल इज 96 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड इट्स ब्रेथ इज 8 सेंटीमीटर। वॉट इज द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल? अब आपको यहाँ पे लेंथ फाइंड आउट करनी है। एरिया गिवेन है 96 सेंटीमीटर स्क्वायर, और आपको ब्रेथ गिवेन है 8 सेंटीमीटर स्क्वायर, लेंथ नहीं गिवेन। क्या करेंगे? लेंथ यही रहेगी, इसको हम शिफ्ट कर देंगे इधर। तो यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इस इक्वल्स टू के बाद जाके डिवाइड हो जाएगा। 96 डिवाइडेड बाई 8 इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर। सो द लेंथ ऑफ दैट रेक्टेंगल विल बी 12 सेंटीमीटर। Example number 2. Look at this one. The area of a rectangle equals to 150 cm square and its length is 10 cm. What is the breadth of the rectangle? Same by method use करेंगे, लेकिन इसमें हमें breadth find out करनी है. Area equals to length into breadth. Area is 150 cm square. Length is also given 10 cm, but breadth is not given. क्या करेंगे? Breadth को find out करने के लिए length को इधर shift कर देंगे. तो जब equals के बाद चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 10 divided by 10 equals to 15 centimeter. तो ब्रेथ कितनी आ रही है यहाँ पे? 15 सेंटीमीटर। नाउ कम टू नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 142। नाउ वी हैव टू कंपेयर एरिया एंड पैरामीटर। शेप्स विद द सेम एरिया कैन हैव डिफरेंट पैरामीटर्स। यस, इट इज ट्रू। शेप्स विद द सेम एरिया कैन हैव डिफरेंट पैरामीटर्स। कंसिडर दीज टू शेप्स, शेप ए एंड शेप बी।
मेड अप ऑफ फोर स्मॉल स्क्वायर्स, ये भी फोर स्मॉल स्क्वायर से बना है और ये भी, इसका एरिया 4 सेंटीमीटर स्क्वायर है, सिमिलरली इसका एरिया भी 4 सेंटीमीटर स्क्वायर है, बट पैरीमीटर इसका 8 है। कैसे 8 है? 1 सेंटीमीटर की एक साइड है यहाँ पे, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो इसका पैरीमीटर 8 है। नाउ लेट्स कैलकुलेट द पैरीमीटर ऑफ दिस शेप। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, इसका पैरीमीटर आ रहा है 10 सेंटीमीटर। तो आपको समझ में आ गया ना बेटा कि एरिया तो सेम हो सकता है टू शेप्स का, लेकिन पैरीमीटर डिफरेंट होता है, या टू शेप्स का सेम एरिया हो सकता है लेकिन इट इज ऑल्सो पॉसिबल कि उनका डिफरेंट पैरीमीटर हो। सो स्टूडेंट्स यू हैव टू स्टडी फ्रॉम बुक पेज नंबर 139 टिल 142। ओके बेटा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।